झारखंड के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। जी हां, सरकार की ओर से उन्हें शीघ्र ही भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में ही इस योजना को शुरू करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने योजना प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति को दोबारा फाइल भेजी है। योजना और प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के बाद इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इस योजना के तहत हेमंत सरकार राज्य के नियोजनालयों में निबंधित स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने पर भत्ता देगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार स्नातक पास युवाओं को प्रति वर्ष 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। किसी भी लाभुक को इस योजना का लाभ 2 वर्षों तक ही मिलेगा। नॉन मैट्रिक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। योजना के प्रस्ताव के अनुसार इसका लाभ सिर्फ झारखंड के निवासियों को मिलेगा।